हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी आईएएस। दिस इज़ प्रज्ञा मित्तल एंड हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिया एयरबुक 2019। तो आज का जो हमारा लेसन है दैट वी विल डिस्कस अबाउट डिफेंस, कि इंडिया का डिफेंस सेक्टर में क्या सिनेरियो चल रहा है और हमें किस लिए अपनी डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। हम इंडिया के जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, इंटरनल थ्रेट्स हैं, उन सब के बारे में भी इस लेसन में कवर करेंगे। पहले हम इंडिया के करंट सिचुएशन के बारे में देखते हैं। जो ट्रांसनेशनल टेररिज्म है वो एक प्राइमरी सिक्योरिटी चैलेंज बन चुका है, नॉट ओनली जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर द होल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर हमें इंटरप्ले देखने को मिल रहा है बिटवीन द स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, जो काम कर रहे हैं वायलेंट आइडियोलॉजीज को स्प्रेड करने में, जिसको बोला जाता है फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज। और जो ये वेस्टर्न एशिया है, मिडल ईस्ट जो एरिया है, अफगानिस्तान, ईरान, ये जो एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है। इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और अपना फुट होल्ड यहाँ पर स्प्रेड करने में लगे हुए हैं। जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो मैरिटाइम डोमेन में हो, जैसे कि साउथ चाइना सी में हो, या फिर मिलिट्री अप्रोचेज में हो, हर तरीके से जो इंटरनेशनल बिहेवियर है वो गाइड करता है इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को। क्योंकि जो ये टेररिज्म है, चाहे वो कोई भी इशू हमें देखने को मिल रहा है, उसके लिए, उसका सामना करने के लिए हमें अपनी जो डिफेंस सिस्टम है उसको और ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा कैपेबल बनाने की ज़रूरत है। और जो रेवोल्यूशन आ रहा है इस राइजिंग एस्पिरेशंस में, ये इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कहीं ना कहीं कमी लेकर आता है, और जो इन्वायरमेंटल या सोशल क्राइसिस है वो भी इंक्रीज होते हमें नज़र आ रहे हैं। जो ये अनडेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, जैसे कि अफगानिस्तान या अफ्रीका, वेस्ट एशिया, वहाँ पर क्यों टेररिज्म इतना ज़्यादा अपना फुट होल्ड इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो रहा है? क्योंकि वहाँ की जो स्टेट है वो फेल हो चुकी हैं। जैसे इंडिया की जो इमीडिएट नेबरहुड है, दैट इज़ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, दोनों की ही जो सिक्योरिटी इम्प्लिकेशंस है, उसका कहीं ना कहीं असर इंडिया की सिक्योरिटी पर भी ज़रूर पड़ता है। क्योंकि जो पाकिस्तान है, वही तो प्रॉक्सी वॉर्स यहाँ पर चला रहा है, जिसके लिए इंडिया में, जैसे रिसेंटली पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद जो एयर स्ट्राइक्स की गई, तो एक तरह से वी वर ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर, न्यूक्लियर वॉर की टेंशन यहाँ पर क्रिएट हो गई थी, जिसलिए हमें ज़रूरत है अपने डिफेंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने में। और जो ये साउथ एशियन नेबरहुड है, ये भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है, जैसे कि सार्क, जो कि टूथलेस टाइगर बनकर ही रह गया है ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान उसमें है जो ब्लॉकेट करता है हर बार इंडिया के बिड को, एंड इंडिया को हमेशा उसने क्रॉस कट ही करना होता है, जिसकी वजह से जो इंडिया है वो सार्क को भी रिवाइव नहीं कर रहा। एंड अभी जो एटमोसफेयर चल रहा है टेररिज्म का, ये डेवलपमेंट पर भी बहुत गहरा असर छोड़ती हैं। लेकिन जो दूसरे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि बिमस्टेक, BBIN, जहाँ पर बात की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, कॉपरेशन को इस्टेब्लिश करने की और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी प्रमोट करने की, तो यहाँ पर कुछ अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स को भी लेकर आया गया है। एंड जो इंडिया का कंटिन्यूड इकोनॉमिक राइज चल रहा है एंड एबिलिटी ऑफ सम स्टेट्स इन साउथ एशिया, ताकि वो बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करने की, एज वेल एज जो उनके इम्प्रूवमेंट है सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में, उसको भी आगे पॉजिटिव तरफ ले जाने में ये कंट्रीज लगी हुई है, ताकि जो मेन एम है बिमस्टेक का, BBIN का, ये वो यही है कि कैसे हमारी जो स्टेबिलिटी है इस रीजन में वो सस्टेनेबल रह सके, वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए हो। इवन इन अफगानिस्तान, जो अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि जो चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ रहे हैं ड्यू टू द इंटरेक्शंस ऑफ तालिबान, तो उसके लिए ये भी काम करने में लगे हुए हैं। अब जैसे कि US ने भी अपनी जो मिलिट्री है उसको वापस बुलाने का फैसला लिया है, तो यहाँ पर बहुत वल्नरेबल सिचुएशन देखने को मिल रही है इन अफगानिस्तान। तो अब ऑनस है सिर्फ अफगानिस्तान के ऊपर ही, कैसे वो अपनी मिलिट्रेंट बॉर्डर को और जो उसकी सिक्योरिटी है उसको कैसे कॉम्बैक्ट करता है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करता है। और जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत ही फ्रेगाइल रहती है, वहाँ पर ना ही कोई इंक्लूसिविटी है, ना ही कोई बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और जो पाकिस्तान है वो अपनी मिलिट्री फोर्सेस को एक्सपैंड करने में लगा हुआ है, चाहे वो न्यूक्लियर फोर्सेस हो या फिर मिलिट्री या मिसाइल कैपेबिलिटीज़ हो। जो पाकिस्तान है उसके अंदर खुद इतनी ज़्यादा डिविजन्स हैं,
चाहे वो एथनो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स के बेसिस पर हो, जैसे कि बलूचिस्तान, उसका भी इशू यहाँ पर चलता आया है, एंड विद द जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वो एक बनकर उभर रहा है, जहाँ पर जो ट्राइबल एरियाज़ भी हैं ऑन द पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और जो मिलिट्री है उसने एफर्ट्स लगाए हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन यहाँ पर आ सके, जैसे कि जिहादी टेररिस्ट, यो जो फंडामेंटलिज्म होता है उसको प्रमोट करने में जो पाकिस्तान लगा हुआ है, नो डाउट एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से ही इज़ बाउंड टू टेक सम एक्शन अगेंस्ट दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बट ही हैज़ ऑलवेज फेल्ड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, क्योंकि वो जो टेररिस्ट है यहाँ पर होम ग्रोन टेररिस्ट है, पाकिस्तान की धरती से ही तो टेररिज्म आ रहा है। जो भी ऑनगोइंग डिस्प्यूट चल रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, जहाँ पर इंडिया ने जैश ए मोहम्मद मजहूर अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करने की बात की जा रही है, तो चाइना भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और इस बिड को नलिफाई कर रहा है, क्योंकि जो जैश ए मोहम्मद जैसी आउटफिट्स हैं, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्हीं की वजह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंक्रीज़ हो रहा है और जो ये जम्मू एंड कश्मीर है उसमें इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि यही सब इंडिया के ऊपर प्रॉक्सी वॉर्स चलाते हैं और अपना फ़ायदा यहाँ पर उठा रहे हैं। इन्हीं की वजह से ही तो जो इंडिया के यूथ है यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये उनको रिक्रूटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। और जो अगर हम इंडिया ओशन की बात करते हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। जो चाइना है वो भी अपने प्रेजेंस यहाँ पर बनाने में लगा हुआ है, लेकिन जो इंडिया है उसने काफ़ी ज़्यादा रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टिसिपेट किया है, ताकि जो ये पारेसी इशू है या फिर जो इंटरफेरेंस इशू है उसको कॉम्बैक्ट कर सके। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, दैट इज़ रीकैप, रीजनल कॉरपोरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बैक्टिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रोबरी एग्रीमेंट्स अगेंस्ट इन एशिया एंड SOMs, दैट इज स्टेट ऑफ मलाक्का एंड सिंगापुर मैकेनिज्म फॉर मैरिटाइम सिक्योरिटी। तो इन मैकेनिज्म्स में भी इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, ताकि जो इंडिया ओशन रीजन है वो भी सिक्योर हो सके। इंडिया ने काफ़ी सारे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस को भी चलाए हैं, जहाँ पर जो इंडिया है अपने लोगों को दूसरी कंट्री में जो फंस जाते हैं ड्यू टू सर्टेन इश्यूज उनको वहाँ से इवैक्यूएट करता है। फॉर एग्जांपल इन यमन में भी उन्होंने अपना ऑपरेशन चलाया था, इवन इन मालदीव्स, इवन टू फिजी, श्रीलंका। तो दीज आर द एरियाज जहाँ पर इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की थी। अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो इंडिया के वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा है और नेचुरल रिसोर्सेज का वो हब है। इवन जो इंडिया है और जो ये सेंट्रल एशिया है, वहाँ पर हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, एज ओल्ड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज हैं हमारी वहाँ पर। बट जो ये रीजन है ये डोमिनेट हो रहा है बाय द रेडिकल टेररिस्ट ग्रुप्स, जो कि सेकुलर रिजाइम्स को अंडरमाइन करने में लगा हुआ है, जो कि कोशिश कर रहा है कि इस्लाम ही सबसे मेजर रिलीजन बन जाए और जितने भी लोग हैं वो सभी इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए। इंडिया ने कुछ कॉरिडोर्स को भी ओपन किया है ताकि कनेक्टिविटी इंक्रीज हो सके थ्रू दिस मिडल वेस्ट एरियाज। कौन कौन सी हैं? दैट इज़ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, जहाँ पर इंडिया, ईरान, रशिया तीनों आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, ट्रेड और इकोनॉमिक लिंकेजेस को भी बनाने में लगे हुए हैं। इंडिया ने तापी पाइपलाइन को भी चलाया है और दूसरे इनिशिएटिव्स को भी लिंक किया है, ताकि जो इंडिया है उसकी कनेक्टिविटी वेस्ट एशिया में भी इंक्लूड हो सके, वो भी एक पार्ट बन सके, एक एक्टिव पार्टनर वहाँ पर वो बन सके। जो सिक्योरिटी सिचुएशन रही है वेस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा फ्लक्स में रही है, वहाँ पर सेक्टेरियन पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, डिप्रेस्ड इकोनॉमिक सिनेरियो भी चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर अब जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी बहुत कम हो गए हैं। और जो एक करंट इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, जैसे कि इराक, सीरिया, यमन, लीबिया में, वो अभी भी बहुत वॉलेटाइल और वायलेंट रहे हैं। यहाँ पर दूसरे जो फोर्सेस हैं, इवन जो प्रॉक्सी वॉर्स भी यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो रीजन है और ज़्यादा इंस्टेबल होता जा रहा है। नो डाउट जो ये रीजन है अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, इंसर्जेंसी ग्रुप्स के अगेंस्ट अटैक करने लग गया है, बट जो इंडिया है उसको ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारा मेन मोटिव है वो यही रहता है कि कैसे हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो सिक्योर हो सके। और जो इंडिया है वो डिपेंड करता है 66% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स टू दिस रीजन, तो इस रीजन में इंडिया के सबसे ज़्यादा स्टेक्स हैं। इसके अलावा जो रीजन है वो फंडामेंटलिस्ट टेररिज्म की वजह से भी फेमस है, जैसे कि आईएस, ये अपना इन्फ्लुएंस स्प्रेड करने में लगे हुए हैं।
इसीलिए हमारी जो ज़रूरत है वो यही है कि हम अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी को कैसे इंक्रीज़ कर सकें, और जो ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है जो इंडिया प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग डिज़ास्टर रिलीफ, उनको कैसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें। तो इसके लिए जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स को वो लेकर आई हैं, ताकि जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी इंडिजीनियस या डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो भी इंडिजीनियस प्रोड्यूस्ड हो सके। अब हम जम्मू एंड कश्मीर की सिचुएशन की बात करते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो J&K है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रीजन बन चुका है। वॉर्स, फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, बोथ ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड इवन ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो दोनों ही साइड से, पाकिस्तान इंडिया की साइड से, हमें यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल रही हैं। एंड जो CAPF है या जो JKP है वो कंटिन्यू प्रेशर बना रही हैं कि कैसे इस रीजन में नॉर्मेंसी को लेकर आया जाए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं इन द इंडो म्यांमार बॉर्डर, वहाँ पर भी टेररिज्म का जो ये एफर्ट्स हैं, टेररिज्म की जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में इंडियन आर्मी लगी हुई है। अभी एक एक्सरसाइज हुई थी बिटवीन इंडियन एंड ओमान, दैट इज़ अलनगा, तो यहाँ पर भी बात की जा रही है दोनों की कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करने में, ताकि जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है उनमें वो एवर रेडी हो सके सर्व करने के लिए। सूर्य किरण एक्सरसाइज को भी चलाया गया था विद इन्फेंट्री बटालियन ऑफ इंडियन आर्मी एंड ऑफ कोर्स विद द नेपालीज आर्मी। तो यहाँ पर जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है वो इंडिया और नेपाल के बीच में होती है, तो यहाँ पर भी ह्यूमन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस को चलाए जाने की बात हो रही थी। और जो इंडिया है उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिज़ास्टर रिलीफ में भी इनकॉर्पोरेशन कर लिया है, और जो इसका 12th एडिशन हुआ था ऑफ इंडो मंगोलियन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, दैट इज़ अ नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया ने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर एक्सरसाइजेस के नाम गिवन है। नेक्स्ट वन इज़ युद्ध अभ्यास, जो कि एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड USA। अदर वन इज़ मित्र शक्ति, जो कि एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। अदर वन इज़ इंडिया इंदिरा एक्सरसाइज, दैट एक्सरसाइज इज़ बिटवीन, इट इज़ अ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज दैट हेल्प्स बिटवीन इंडिया रशिया एंड इट वॉज कंडक्टेड इन रशिया। तो अभी ये पहली एक्सरसाइज हुई थी जिसको अभी रिसेंटली कंडक्ट भी किया गया था। अब हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का क्या रोल है और इसका क्या क्या मेजर इंसेंटिव्स हैं। जो भी डिफेंस रिलेटेड पॉलिसीज होती हैं या रूल्स होते हैं वो सारा काम कर रही है दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। ये इसके जो मैटर्स हैं रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन टू सर्विस हेडक्वार्टर्स, इंटर सर्विस ऑब्लिगेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोडक्शंस, एस्टैब्लिशमेंट्स, R&D, तो ये सारा काम मिनिस्ट्री ही देखभाल कर रही है। अब हम इसके कुछ फंक्शंस देखते हैं कि कौन कौन से इसके प्रिंसिपल और मेन फंक्शंस हैं। द अदर वन इज़ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो इसका डिपार्टमेंट है वो डील करता है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ को, और जो तीन सर्विसेज हैं और जो दूसरी इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफेंस बजट है, एस्टैब्लिशमेंट मैटर्स, डिफेंस पॉलिसी या जो पार्लियामेंट्स रिलेटेड कुछ काम है, डिफेंस कोऑपरेशन विद फॉरेन कंट्रीज एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़, तो ये सारा काम डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ही देख रहा है। जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है उसको हेड किया जाता है बाय अ सेक्रेटरी, जो डील करता है डिफेंस प्रोडक्शन में, इंडिजाइजेशन में ऑफ इम्पोर्टेड स्टोर्स, इक्विपमेंट्स, स्पेयर्स, प्लानिंग कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन यूनिट्स, तो यहाँ पर भी ये इसका ही देखभाल कर रहा है। अदर कम्स द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी सेक्रेटरी के द्वारा हेड किया जाता है, हु इज़ अ साइंटिफिक एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर। तो जो सेक्रेटरी होती है वो डिफेंस मिनिस्टर की एक साइंटिफिक एडवाइजर का काम भी कर रही है। ये साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स के बारे में, ये जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करती है। अदर वन इज़ डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, इसको भी सेक्रेटरी ही हेड करती है, ये डील करती है विद ऑल द रीसेटलमेंट, वेलफेयर एंड पेंशन मैटर्स ऑफ एक्स सर्विसमैन। जो सर्विसमैन का टाइम पीरियड पूरा हो गया है, जो रिटायर हो गए हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी उनसे रिलेटेड काम है, जैसे उनका पेंशन का, वेलफेयर स्कीम्स, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है इन दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। अदर कम्स द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शंस, ये डील करती है विद द मैटर पर्टेनिंग टू डिफेंस प्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट स्टोर्स, इक्विपमेंट्स, तो ये भी जो हमारे प्रोडक्शंस है, कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उससे डील करती है। नेक्स्ट कम्स द DPSUs, दैट इज डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स,
ये है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है ऑन साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ मिलिट्री एंड लॉजिस्टिक्स. अदर वन कम्स द आर्मी, दैट इज ग्लोबल एंड रीजनल जियो पोलिटिकल एंड जियो स्ट्रैटेजिक इशूज अफेक्ट एंड शेप्स इंडिया सिक्योरिटी. ऑफकोर्स जो इंडिया की जियो पोलिटिक है या जो जियो स्ट्रैटेजिकल इशू है उसमें इंडियन आर्मी का मेजर और पाइविटल रोल हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यही तो हमारी जो नेशनल बॉर्डर्स है उनको गार्ड करती है और जो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको भी प्रोटेक्ट करती है. एंड ये जो भी हमें एक्सप्लोटेशन देखने को मिल रही है उसमें भी कॉम्बैक्ट ऑपरेशन अपने चलाती है, एक्सट्रीमिज्म हो या फिर जो हमारा रेड कॉरिडोर वाला एरिया है उसमें भी इंडिया आर्मी का बहुत मेजर रोल हमें देखने को मिलता है. और ये वन ऑफ द टॉप लार्जेस्ट ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटर्स है टू द यूएन मिशंस विद प्रेजेंस इन 7 ऑफ द करंट 15 यूएन मिशंस. तो यहाँ पर ये इंडियन आर्मी वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटर्स भी है यूएन मिशंस को. और जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इन्फेंट्री का, इट इज़ बीइंग प्रोसेस्ड ऑफ 5 सब सिस्टम, 5 सिस्टम पर वो डिपेंडेंट होती है, दैट इज़ लिथैलिटी, सर्वाइवेबिलिटी, मोबिलिटी, सिचुएशन अवेयरनेस एंड सस्टेनेबिलिटी. तो दीज आर द 5 सब सिस्टम्स. नेक्स्ट कम्स द इंडियन नेवी. द राइज एंड डाइट्रे ऑफ नेवीज इज टू सेफ गार्ड द नेशंस यूज ऑफ सीज फॉर इट्स लेजिटिमेट सॉवरन पर्पज. ये गार्ड करती हैं इंडिया के सी को. और यहाँ पर जितने भी नेबल फोर्सेज हैं फाइट करती हैं इंटेंसिटी वॉर फाइटिंग एट वन एंड, एक तरफ तो वॉर को फाइट करती हैं एंड दूसरी तरफ ये ह्यूमैनिटेरियन और डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में भी हेल्प करती हैं. इनका काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स रोल होता है, जैसे जो इंडियन नेवी है वो काम करती है एज अ प्राइम इनेबलर एंड ग्रंटियर ऑफ द कंट्रीज मैरीटाइम सॉवरेनिटी एंड माइरेड यूज़ ऑफ सी एक्टिविटीज़. और जो इसका मेन रोल है, इट इज़ टू अंडरटेक मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, कॉन्स्टेबुलरी एंड बैनिंग सर्विसेज. अब हम मिलिट्री का रोल देखते हैं. जो ऑब्जेक्टिव होता है मिलिट्री का वो ये होता है कि कैसे जो मिलिट्री एडवेंटरिज्म हमें देखने को मिल रहा है दूसरी कंट्री से, अगर कुछ इंटरफेरेंस हो रही है या वो सिचुएशन में है वॉर वेज करने में, तब कैसे उसमें इंटरवेयर करना है और जो इंडिया के इंटरेस्ट है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, जो हॉस्टैलिटी वाला इन्वायरमेंट होता है उसको कैसे डी एस्केलेट करना है, तो ये काम भी इंडियन मिलिट्री ही देख रही है. चाहे उसमें आप बात करते हो कन्वेंशनल डेटरेंस की, जहाँ पर बोथ डिनायल एंड पनिशमेंट का भी यूज़ किया जाता है. अब हम डिप्लोमेटिक रोल के बारे में देखते हैं. जो इंडिया की स्ट्रैटेजिक और जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट रहे हैं इन द नॉर्दर्न इंडियन ओशन रीजन या फिर जो हमारा एरिया है स्ट्रेट ऑफ मलक्का से लेकर टू द गल्फ ऑफ एडन, अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है. इंडिया को अब ज़रूरत है कि अपना जो सर्वेलेंस सिस्टम है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए, क्योंकि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, चाइना स्पेशली, काफ़ी ज़्यादा नेवल बेसिस भी बनाने में लगा हुआ है इंडिया में, चाहे वो श्रीलंका में हो या फिर दूसरे नेशंस में हो. जो उसका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का प्रोजेक्ट है वो भी इंडिया को सरमाउंट करने में लगा हुआ है. तो दिस इज़ अ हाई टाइम कि इंडिया अब इंडियन ओशन रीजन को सीरियसली लेने लगे और अपनी जो पोजीशन है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन और सिक्योर करने में लग जाए. अब हम इंडियन नेवी का कॉन्स्टेबुलरी रोल को देखते हैं. इसमें क्या करते हैं वो, एंटी पोचिंग, एंटी स्मगलिंग, कोस्टल सर्वेलेंस एंड एंटी पायरेसी एक्टिविटीज़ को वो देखते हैं. इवन जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है, जब गुजरात में साइक्लोन्स आया था, आंध्र प्रदेश में साइक्लोन्स आते हैं, फ्लड्स आई थी बिहार में, तो उस टाइम पर इंडियन नेवी ने असिस्टेंस प्रोवाइड की थी और बहुत ज़्यादा हेल्प भी की थी वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट करने में. इवन जब सावित्री रिवर का कोलैप्स हुआ था तब भी इन्होंने ही मदद पहुँचाई थी. नेक्स्ट कम्स द इंडियन कोस्ट गार्ड, दैट वॉज फॉर्म्ड इन 1977. ये अंडरटेक करती है असाइंड टास्क ड्यूरिंग द पीस टाइम एंड टू सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ इंडियन नेवी. तो ये इंडियन नेवी को फर्दर सप्लीमेंट करते हैं उनके एफर्ट्स में, उनको हेल्प करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड को फॉर्म किया गया था. ये प्रोटेक्ट करते हैं आर्टिफिशियल आइलैंड्स को एंड ऑफशोर टर्मिनल्स को भी, और प्रोटेक्शन दे रहे हैं फिशरमैन को अगर वो सी में फंस जाते हैं, जब हाई टाइड्स आती हैं तो उसमें भी ये इवैक्यूएशन का काम करते हैं और मैराइन एनवायरनमेंट को भी प्रमोट करते हैं. इसको 3-4 बेसिकली काम दिए गए हैं. पहला, ऑफशोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी, नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी, लीड इंटेलिजेंस एजेंसी फॉर कोस्टल एंड सी बॉर्डर एंड कोस्टल सिक्योरिटी इन टेरिटोरियल वाटर्स. अब नेक्स्ट कम्स द एयरफोर्स.
जो इंडियन एयरफोर्स है उसने हमेशा से ही इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज को बढ़ाने में पूरा सहयोग किया है। जो इंडियन एयरफोर्स है उसने हमेशा ही डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की है और कैसे हमारा जो इंडिया का डिफेंस सिस्टम है वो मेक इन इंडिया पर डिपेंडेंट हो सके, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट है वो भी डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया लेकर आ रही है ताकि जो हमें प्रोक्योरमेंट है इम्पोर्ट ना करना पड़े इतना महंगे लेवल पर अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को। नेक्स्ट कम्स द मेक इन इंडिया। इसमें ऑफ कोर्स हमारा मेन फोकस यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया बेस्ड ही यूज़ करें, इम्पोर्ट हम कम से कम कर दें। तो बेसिकली मेक इन इंडिया का ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। इसमें 3 फ्लाइट कैडर्स हैं जैसे कि अवनी चतुर्वेदी, भावना कांड एंड मोहना सिंह, जो बनी है पहली फर्स्ट वुमेन पायलट्स टू बी कमीशन इन टू द फाइटर स्ट्रीम आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम द IFF अकाडमी इन तेलंगाना। तो ये बनी है पहली वुमेन पायलट्स, ये तीनों महिलाएं, एंड इनको ट्रेनिंग दी गई है एयरक्राफ्ट उड़ाने की, दैट इज़ PC-7 MK2 एंड किरण एयरक्राफ्ट, एंड अभी इनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। तो दीज आर द 3 पर्सन्स नेम दैट यू कैन जस्ट गो थ्रू। नेक्स्ट कम्स द लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, तेजस एयरक्राफ्ट, आकाश मिसाइल, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स विच हैव ऑलरेडी बीन इंडक्टेड, दस गिविंग इम्पेटस टू इंडियनाइजेशन। तो इंडिया अपने आप में ही कैपेबल बनता जा रहा है और दूसरे नेशंस को हैरान करता भी जा रहा है, और जो इंडिया का मेन फोकस है वो मॉडर्नाइजेशन पर भी लगा हुआ है। और कैसे अब बात ये हो रही है कि कैसे इंडिया जो अपने प्रोडक्शंस को बना रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, तो उसमें मेक का टैग मिले, कि वो मेक इन इंडिया का टैग मिले ताकि देश में इंडिया की भी एक वैल्यू इस्टेब्लिश हो सके। और जो गवर्नमेंट का मेन फोकस है मेक इन इंडिया में इज़ टू इंक्लूड प्राइवेट सेक्टर, कि कैसे प्राइवेट सेक्टर को इसमें लेकर आया जाए, तभी तो PPP मॉडल जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। और इसको कहा जाता है स्ट्रैटेजिक पार्टनर मॉडल, जो कि इम्पेटस दे रहा है गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को। इससे क्या होगा, इससे ना तो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी बल्कि जो स्किल लेवल है वो भी इन्हांस होगा, और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें भी R&D इंक्रीज़ होगी, और जो इंडिया का एयर स्पेस सेक्टर है वो भी सशक्त बन सकेगा, इंडिया अब डिपेंडेंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट कम्स अ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने इस्टेब्लिश किया है Pan-IAF कैप्टिव 3G WCDMA मोबाइल नेटवर्क AFCEL, जिसको ऑपरेशनल किया गया है विद फुल वॉइस कॉल एंड डाटा सर्विसेज, और जो इन हाउस मैसेंजिंग ऐप है उसको भी डेवलप किया गया है लाइक इंस्टेंट मैसेंजिंग ऐप AFCHAT। तो ये आती है अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। नेक्स्ट कम्स द नेशनल कैडेट कॉप्स, ये आया है अंडर 1948 एक्ट के अंडर, ताकि जो यूथ हैं उसमें ऑलराउंड डेवलपमेंट आ सके, उनमें कमिटमेंट आ सके, डेडिकेशन आ सके, डिसिप्लिन को इनकल्केट करने की बात की जा रही है, मॉरल वैल्यूज़ को इंक्लूड करने की बात की जा रही है, ताकि वो एक यूज़फुल सिटीज़न बन सकें, सिर्फ एक सिटीज़न ही नहीं, सिर्फ एक आम आदमी नहीं, बल्कि कुछ काम के पर्सन बन सके वो देश के लिए। और इसीलिए गवर्नमेंट ने नेशनल कैडेट कॉर्प्स को भी लॉन्च किया है। ये कॉलेजेस में भी होता है, कॉलेजेस में एक NSSC का सेल होता है, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू बिकम अ मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। और इसका मोटो क्या होता है, द मोटो इज़ यूनिटी एंड डिसिप्लिन, कि हम साथ मिलकर काम करेंगे और डिसिप्लिन को प्रमोट करेंगे, अपने अंदर डिसिप्लिन को लेकर आएंगे। इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है जो गवर्नमेंट ने सेंक्शन किया है दैट इज 15 लाख। नेक्स्ट कम्स द सैनिक स्कूल्स, जिसको इस्टेब्लिश किया गया है एज अ जॉइंट वेंचर्स बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, और इनका मेजर ओवरऑल गवर्नेंस है सैनिक स्कूल सोसाइटी, ये इसके अंडर ही काम करती हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है सैनिक स्कूल्स का, टू ब्रिंग क्वालिटी पब्लिक स्कूल एजुकेशन विद इन द रीच ऑफ अ कॉमन मैन, जो आम आदमी है उसके पास जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, नॉलेज है, अवेयरनेस है, उस तक पहुँचा जा सके। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने इसी मोटिव को प्रमोट करने के लिए सैनिक स्कूल्स को लॉन्च किया है, और इससे क्या होगा, जो चाइल्ड है उसकी पर्सनैलिटी में भी इजाफा होगा, और जो ये रीजनल इम्बैलेंसेस आ रही हैं वो भी यहाँ पर कम हो जाएंगे। नेक्स्ट कम्स द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, तो गवर्नमेंट ने कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को भी लॉन्च किया है, जैसे कि कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट दैट इज़ इनका तेलंगाना, नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन तमिलनाडु, नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे,
इंडियन मिलिट्री अकेडमी, देहरादून, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। तो दीज आर द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट कम्स द डिफेंस अंडर सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स। यहाँ पर कुछ अंडरटेकिंग्स की बात की जा रही है जो डिफेंस सेक्टर में काम कर रही हैं। फर्स्ट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि एक नवरत्न कंपनी है। ये डिज़ाइन, प्रोडक्शन, रिपेयर, ओवरहॉल, अपग्रेडेशन, इन सब का काम करती है ऑफ द हेलीकॉप्टर्स। नेक्स्ट कम्स द भेल, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये भी एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और ये आती है 69th अमंग द टॉप 100 कंपनीज जो कि रेवेन्यू, डिफेंस रेवेन्यू में कोर कॉम्पिटेंस प्रोवाइड कर रही है। ये काम करती है रडार में, फायर कंट्रोल सिस्टम में, वेपन सिस्टम में, सोनार्स एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट कम्स द गार्डन रीच शिप बिल्डिंग्स एंड इंजीनियर लिमिटेड। ये एक लीडिंग शिपयार्ड है जिसके पास एक्सपर्टाइज है ऑफ बिल्डिंग अ वाइड एरे ऑफ वेसल्स फ्रॉम वर्ल्ड क्लास फ्रिजेट्स टू फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स। नेक्स्ट कम्स द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि कैपेबल है ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग हाई टेक्नोलॉजी एंड सोफिस्टिकेटेड शिप्स टू मीट द क्रूशियल मैरिटाइम सिक्योरिटी नीड्स ऑफ द कंट्री। अदर कम्स द हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि लोकेटेड है ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कंट्री एंड ये है नेशंस की प्रीमियर शिप बिल्डिंग एंड शिप सबमरीन रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज द मैजगोन डॉक लिमिटेड, दैट यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस। ये एक मिनी रतन कंपनी है और ये एक स्पेशलाइज कंस्ट्रक्शन है वॉरशिप्स की, जैसे कि स्कॉर्पियन वॉरशिप्स को भी इसने ही कंस्ट्रक्ट किया है। अदर वन इज BEML लिमिटेड, जिसको इस्टेब्लिश किया है इन 1964 में। ये भी एक मिनी रतन कंपनी है, ये भी डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग में काम करती है इन द डिफेंस, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इवन इन रेल एंड मेट्रो सेक्टर। नेक्स्ट कम्स द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें 39 फैक्ट्रीज को इंक्लूड किया गया है विद टू मोर एट नालंदा एंड कोरबा। इसके 5 ऑपरेटिंग ग्रुप्स हैं। पहला एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोजिव्स, वेपन व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट्स, मटीरियल्स एंड कॉम्पोनेंट्स, आर्म्ड व्हीकल्स, क्लोदिंग एंड इक्विपमेंट्स, ईच हेडेड बाय एडिशनल DGOF। जो डायरेक्टरेट जनरल है ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस, वो एक इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, जो कि क्वालिटी देख रही है डिफेंस इक्विपमेंट की एंड स्टोर्स फॉर द आर्मी एंड नेवी एज वेल एज कॉमन यूज आइटम ऑफ द एयर फोर्स। और ये देख भी रही है कि कैसे जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें क्वालिटी मेंटेन की जा रही है या नहीं। तो बेसिकली ये डिफेंस सेक्टर की प्रोक्योरमेंट में भी ध्यान देती है, रेगुलेट भी करती है मिलिट्री एविएशन स्टोर्स को, चाहे वो AF हो, आर्मी एविएशन हो, या फिर नवल, या फिर इंडियन एयर कोस्ट गार्ड क्यों ना हो। और ये एक इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करती है इन टेक्निकल इवेल्युएशन फील्ड ट्रायल्स, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन ड्यूरिंग फॉरन प्रोक्योरमेंट ऑफ मिलिट्री एविएशन स्टोर्स में भी। तो इसका ये बेसिक काम है जो ये मिनिस्ट्री कर रही है। अदर कम्स द डायरेक्टरेट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ये प्रमोट कर रहा है और पॉलिसीज ऐसी बना रहा है जिससे इंडिया का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है वो प्रमोट हो सके, FDI है उसमें कुछ लिबरेशन आ सके, लाइसेंस पॉलिसी है उसमें भी कुछ लिबरेशन आ सके, और कैसे जो लेवल प्लेइंग फील्ड है ऑफ प्राइवेट सेक्टर उसको भी यहाँ पर इंक्लूड करने की बात की जा रही है। इसने मेक इन इंडिया जो पोर्टल है उसको मेंटेन कर रहा है और उसको अपडेट करने में भी लगा हुआ है। तीनों सर्विसेज की सर्विसेज को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है और जो इन्वेंटरी है डिफेंस सर्विसेज की उसको भी कम किया जा रहा है। अदर वन इज़ डायरेक्टर ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको सेटअप किया गया था 1964 में विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ओवरऑल प्लान्स फॉर प्रोडक्शन एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो इसको भी डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने का काम दिया गया है। नेक्स्ट कम्स द डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी प्रमोट कर रही है एक्सपोर्ट पोटेंशियल को, कि ताकि जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं जो मेक इन इंडिया के अंडर आ रहे हैं, जो इंडिजीनियस मेड प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट की तरफ, उसमें इतनी क्वालिटी होनी चाहिए तभी तो कोई कंट्री उसको परचेज करेगा ना। तो इसीलिए क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है ताकि जो एक्सपोर्ट है इंडिया का वो भी इंक्रीज हो सके और जो इंडिया का डिफेंस सेक्टर है वो भी सेल्फ सफिशेंट बन सके। नेक्स्ट कम्स द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिफेंस शिप बिल्डिंग, ये एक ऑटोनॉमस सोसाइटी है जो शिप बिल्डिंग प्रोग्राम में काम करती है। अदर वन इज़ द DRDO, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये असिस्ट करती है डिफेंस सर्विसेज को ऑन साइंटिफिक
प्रॉब्लम्स एंड अंडरटेक करती है एक्टिविटीज़ को जो रिलेटेड होती है डिफेंस सेक्टर से, चाहे वो टेस्टिंग कैपेबिलिटीज़ हो, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस हो, नेटवर्किंग सिस्टम्स हो एंड साइबर डिफेंस टूल्स हो। अदर वन इज़ डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस इन वेलफेयर, ये फॉर्मुलेट करती हैं पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को फॉर द वेलफेयर एंड रिसेटलमेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन इन द डिफेंस सेक्टर ऑफ द कंट्री। इसका जो मेन थर्स्ट है वो यही रहता है कि कैसे जो एक्स सर्विस मैन हैं उनका रिहैबिलिटेशन हो सके, रिसेटलमेंट हो सके और उनका वेलफेयर भी हो सके। जो ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिसेटलमेंट है, ये ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिसेटलमेंट पर ध्यान देती है, चाहे उसमें आप एम्प्लॉयमेंट की बात करो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग टू ऑफिसर्स, या जो इक्विवेलेंट्स अदर सर्विसेज हैं, विडोज एंड डिपेंडेंट्स जो इसके ऊपर डिपेंड होते हैं उनको भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। 60,000 आर्मी फोर्सेस पर्सनल रिटायर, हर साल 60,000 लोग रिटायर होते हैं और उनको रिलीज़ किया जाता है फ्रॉम एक्टिव सर्विस एवरी ईयर, मोस्ट ऑफ देम बीइंग इन कंपैरेटिवली यंगर एज बैक टू 35 to 45 ईयर्स। तो यहाँ पर 35 से 45 साल के जो लोग होते हैं उनका यहाँ पर ज़्यादा रिटायरमेंट हो रहा है, ताकि अगर उनको कुछ सेकेंड करियर ऑप्शन है तो उनकी फैमिलीज को भी यहाँ पर सपोर्ट दी जाए। दीज पर्सनल कॉन्स्टिट्यूट अ वैल्यूएबल, डिसिप्लिन, वेल ट्रेड, डेडिकेटेड एंड टैलेंटेड पूल अवेलेबल फॉर नेशन बिल्डिंग। तो ये एक बहुत डेडिकेटेड इंडिया का टैलेंट पूल है जिसका ध्यान इंडिया के गवर्नमेंट को ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज केंद्रीय सैनिक बोर्ड। जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड है ये एक एपेक्स बॉडी है जो इंपॉर्टेंट एजेंसी भी है गवर्नमेंट की, क्योंकि ये वेलफेयर करता है वॉर विडोज की, जिनके जो हस्बैंड होते हैं वॉर में डेथ हो जाती है, डिसेबल्ड सोल्जर्स की, एक्स सर्विसमैन की एंड देयर डिपेंडेंट्स की। जो डिपार्टमेंट है ऑफ रिसेटलमेंट उसको इंट्रस्ट किया गया है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि कैसे जो रिटायरिंग या रिटायर्ड पर्सनल ऑफिसर्स हैं उनको सेकेंड करियर में लेकर जाया जाए, और जो रिसेटलमेंट कोर्सेज होते हैं वो बात करते हैं बेसिकली दे फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट की। इसके लिए उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग और ESM ट्रेनिंग सेंटर्स को भी ओपन किया है। अदर वन इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कुछ रिजर्वेशंस प्रोवाइड की हैं, 10% इन द ग्रुप सी पोस्ट एंड 20% इन द ग्रुप डी पोस्ट। और जो गवर्नमेंट है उन्होंने DGR, जो ये डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ रिसेटलमेंट है, उसको नोडल एजेंसी भी बना दिया है फॉर रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द ESM। तो दिस इज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट है उसको आप जनरेट कर सकते हो इन द प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर इन ऑर्डर टू जनरेट अवेयरनेस एंड अर्ज दीज सेक्टर्स टू एम्प्लॉय ESM। नेशनल कॉरपोरेट कॉन्क्लेव वॉज कंडक्टेड बाई DGI बाय अगस्त 2014। तो वहाँ पर ये चीज़ कंडक्ट की गई थी और राष्ट्रीय मंत्री ने अर्ज किया था ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ओपन किए जाए फॉर द एक्स सर्विस मैन मिलिट्री मैन, ताकि जो उनके स्किल्स हैं, इतनी ज़्यादा उनको नॉलेज होती है, वो वेस्ट ना जाएं, वो दूसरी जगह पर जाकर काम करना शुरू कर दें। नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर दिस लेसन इज स्कीम्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम्स लॉन्च की हैं फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज कोल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम्स एंड टीपर अटैचमेंट, कंपनीज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड रिटेल आउटलेट्स, गोजरी डायरी एंड फ्रेश फार्म, सुपरविजन ऑफ CNG स्टेशन बाय ESM, इन NCR अलॉटमेंट ऑफ आर्मी सरप्लस क्लास वी व्हीकल्स, ऑयल प्रोडक्ट एजेंसी स्कीम्स। सो दीज आर द पर्टिकुलर स्कीम्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दैट द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेसन। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर एंड दिस पर्टिकुलर चैनल। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।